हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से मेरे नए ब्यूटी ब्लॉग में। और आज के इस ब्लॉग में शेयर करने वाली हूँ आपके साथ, अगर आपके चेहरे पे बहुत ही ज़्यादा अनचाहे बाल हैं और अगर आप अपने हाथ पैर में जमी हुई मैल को निकालना चाहते हैं, अनचाहे बालों को हटाना चाहते हैं, तो आज की बेस्ट रेमेडी एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। आपको क्या करना है, सबसे पहले लेना है एक कटोरी में एक चम्मच कॉफ़ी। कॉफ़ी हमारे स्किन को साफ़ करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है, नेचुरल स्क्रबर का काम करता है, स्किन के जैसे ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स को हटाने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है। उसके बाद ये जो मैं अगली सामग्री लूँगी, यह है बेसन। बेसन दोस्तों नेचुरल ऐसा चीज़ होता है जो अगर आप अपने चेहरे पर लगाते हो तो चेहरे की रंगत को भी साफ़ करता है, उसके साथ साथ ही अनचाहे बालों को हटाने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है। तो यहाँ पर 1 से 1.5 चम्मच आपको बेसन ले लेना है। बहुत ही इजी और सिंपल सा आज का ये जो फॉर्मूला है, इसको आप अपने स्किन के लिए बहुत ही इजीली से यूज़ कर सकते हैं। चेहरे और हाथ पैर को साफ़ करने में इसको बहुत ही अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से बन जाता है। फिर इसमें हम ऐड करेंगे 1 से 1.5 चम्मच दही। दही दोस्तों हमारे स्किन के लिए बहुत ही अच्छा होता है, नेचुरल ग्लो लेके आता है, और उसके साथ साथ ही आपके स्किन में अगर दाग धब्बे हैं, बहुत ज़्यादा कालापन हो रहा है, उसको भी ये हटाने में हेल्प करता है। तो ये सब चीज़ों को इस तरीके से अच्छे से मिक्स करने के बाद हम यहाँ पर ऐड करेंगे हनी। हनी यानी कि शहद। शहद हमारे स्किन के लिए बहुत ही अच्छा होता है दोस्तों, ग्लो लेके आता है स्किन को। अगर आप कोई भी चीज़ ऐसे लगाते हैं स्किन में, हाइड्रेशन बना के रखता है, जैसे मॉइस्चर को लॉक करके रखता है, बहुत ही ज़्यादा आपकी स्किन को ड्राई होने नहीं देता है ये। तो यहाँ पर 1/2 चम्मच हमने जो है हनी ऐड कर लिया है। बहुत ही बढ़िया ये हम आपका फेस पैक बन करके रेडी हो गया है। और ऐसा ही नहीं कि ये सिर्फ फेस पे लगाना है, इसको आप चेहरे के अलावा बहुत जगहों पे लगा सकते हैं, जैसे हाथों पे, पैरों पे, गर्दन के ऊपर, जैसे काली गर्दन हो जाता है उसके ऊपर भी इसको लगा कर इसको साफ़ कर सकते हैं। अब लगाने के पहले यहाँ पे क्या करना है, अपने चेहरे पे जैसे फेस पे बालना है, इसलिए हेयर बैंड से अच्छे से सिक्योर कर ले अपने बालों को, और फिर उसके बाद ब्रश की मदद से पूरे चेहरे पे इसको इवनली स्प्रेड करना है, जैसे आप फेस मास्क लगाते हैं ना, जस्ट लाइक दैट। बहुत ही ज़्यादा इसका मोटा लेयर तो नहीं होता है, बहुत ही अच्छे से स्प्रेड होता है, और आपको फील होगा कि आपने कुछ अच्छा सा मास्क लगाया हुआ है। इस तरीके से चेहरे पे बहुत ही अच्छे से लगा लेना है इवनली स्प्रेड करते हुए। नाकों के ऊपर ज़रूर लगाएं दोस्तों, नाकों के जैसे ब्लैक हेड्स को बहुत ही ईजिली ये निकालता है, और उसके बाद पूरे चेहरे पे, गर्दन पे भी इसको अच्छे से लगा सकते हैं। जैसे गर्दन पर अक्सर लोगों के काला काला निशान हो जाता है, उसको भी ये दूर करने में बहुत ही अच्छे से हेल्प करता है। बहुत ही ज़्यादा काम करते करते क्या होता है, हाथों में भी कालापन का निशान हो जाता है, हाथ एकदम से गंदा लगने लगता है, तो आप इसको हाथों पर भी ईजिली स्प्रेड कर लीजिए इस तरीके से। अब सभी चीज़ों को अपने हाथों पे, फेस पे, चेहरे पे, पैरों पे भी इसको अब लगा सकते हैं, अगर बच जाता है लगा के कम से कम 10 मिनट तक लगा रहने दीजिए। जब ये हल्का सा ड्राई हो जाएगा फिर धीरे धीरे इसको अच्छे से रब करिए, इस तरीके से रब करके, मतलब हल्के हल्के हाथों से उसको रब कीजिएगा, तो ये थोड़ा थोड़ा सूखा रहेगा, तो क्या होगा इसके अंदर जो है जो छोटे छोटे बाल होते हैं आपके चेहरे पे, हाथों में, वो सभी भी आ जाएगा, और अनचाहे बाल जो है ना चेहरे के, वो निकलने शुरू हो जाएंगे। इस तरीके से हल्के हल्के हाथों से इसको आपको रब करना है, इस तरीके से ऊपर डायरेक्शन में, जिस तरीके से बाल जिस डायरेक्शन में होते हैं ना, उसके अपोजिट डायरेक्शन में आपको इसको अच्छे से लगाना है, और फिर इसको इस तरीके से हटाना है। इसी प्रकार से आप गर्दन पे भी इसको अच्छे से रब कीजिए, जैसे गर्दन में जो मैल वगैरह होता है वो ख़त्म हो जाएगा। फाइनली आपको क्या करना है, टॉवल को अच्छे से गीला कर ले, और गीला करने के बाद इस तरीके से आप अपने चेहरे को धीरे धीरे करके वाइप कीजिएगा, तो अनचाहे बाल जो हैं इसमें फंस करके और निकलेंगे, इससे आपका चेहरा एकदम से क्लीन रहेगा, किसी भी फेशियल वैक्स वगैरह की आपको ज़रूरत नहीं होगी। हाथों पे भी सेम इसी प्रकार से, गर्दन पे भी सेम इसी प्रकार से करोगे तो बहुत सारा स्किन जो है साफ़ भी लगेगा, और बहुत ही अच्छा जो है ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स की जो प्रॉब्लम है आपको, वो भी ख़त्म हो जाएगी। बहुत ही ईजी और सिंपल सा ये रेमेडी है, तो टॉवल को गीला करके और इस तरीके से आपको धीरे धीरे पोंछ लेना है दोस्तों, करके देखिए, रिज़ल्ट बहुत ही औसम मिलेंगे, चेहरा एकदम से साफ साफ खिला खिला और बहुत ही खूबसूरत रहेगा, हाथ भी बहुत ही साफ साफ लगेगा। अक्सर पेडिक्योर मैनिक्योर करते हैं, बहुत ही पैसे खर्च होते हैं, ये छोटी सी रेमेडी अगर आप करोगे तो इसका रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा मिलेगा दोस्तों, चेहरा एकदम से खिला खिला, हाथ भी बहुत ही साफ साफ, गर्दन भी बहुत ही साफ साफ रहेगा, एकदम से ग्लो करेगा। ट्राई ज़रूर करिएगा, बहुत ही ईजी और ये सिंपल सा रेमेडी है, आपको ज़रूर पसंद आएगा। वीडियो शुरू, लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।